साथ में साथ में सोलो मार लेंगे ना इधर सोलो भाई प्रतीक भाई अरे उसको भी आने दो अरे भाई सोलो भाई ना सोलो सोलो अगला बिग बॉस आने वाला है प्रतीक भाई यार तुम लोग साथ में साथ में अंबानी साथ में फोटो मारते रुक गए झोला लेके घूमते हैं जगह पे मैं जब से टैन हूँ तब से साफ हुआ ही नहीं हूँ ये मेंटल टैनिंग है मेंटल दिमागी तौर पे टैन हो गया हूँ मैं चलो चलो अभी इधर खाली गाना काफी अच्छा गया क्या कुछ नया अपकमिंग और आप दोनों को कभी हम साथ में देखने वाले भाई अब हमें ही देखने वाले साथ में और क्या अब बस हमें ही देखने वाले साथ में मुझे नहीं पता इसको पता है मुझे नहीं पता भैया मैं तो खुद रोज फोन करके पूछता हूँ कब आ रहा है क्या कुछ आने वाला है क्योंकि लोगों काफी एक्साइटेड है आप दोनों को साथ में देखने के लिए एनीथिंग वुड यू लाइक टू से अबाउट इट सो आर अब हमारा जो गाना हमने साथ में शूट किया है फाइनली वो आ रहा है हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड हैं हम कल भी डायरेक्टर के साथ हमारी चल रही थी मटर गश्ती कि हमें एडिट भेज दो हमें कुछ तो देखने दो सो कितने दिन में आ रहा है पता और नहीं हमने तो थोड़ा बहुत देख लिया है अब आपकी बारी है बस थोड़ा सब्र रखो थोड़ा बहुत क्या आपको पूरा देखने को मिलेगा यार वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द सॉन्ग कहां पे शूट हुआ हां मतलब कहां पे शूट हुआ है तो बोल सकते हैं इट शॉट इन केरला एलपी में शूट हुआ है अश्विन जिन्होंने कमली डायरेक्ट किया था उन्होंने ही डायरेक्ट किया है एंड गाने के बारे में प्रदीप बताएं गाने के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि बहुत सालों का मेहनत है प्रयास है बहुत सालों का एक वो है मैनिफेस्टेशन मतलब ये कुछ चीज़ें ना ऐसे मैनिफेस्ट करनी पड़ती है सालों साल बहुत दिनों तक तब जाके वो हमारे पास हमारी होती है तो ये वो चीज़ है जो इसने मैनिफेस्ट करी है और बाय चांस बाय गॉड्स ग्रेस मैं भी इस चीज़ का एक हिस्सा बन चुका हूँ तो मुझे बहुत आई एम वेरी यू नो ग्लैड एंड आई वेरी आई फील वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड बस इतना बोलूँगा कि इट्स इन लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट समझ लो इसको बेसिकली गाना दिवाली 2018 में बना था और बहुत अलग गाना है तो वो हम भी सोच रहे थे कब रिलीज होगा एंड आई गेस लाइक ही सेड लिखा हुआ था
कि प्रतीक के साथ शूट होना था। आपका लास्ट सॉन्ग जो करण चंद्रा काफी काफी अच्छा था, मैं आपसे जानना कैसे लगी ये न्यू पेयर थी, काफी बिग बॉस में अलग अलग पेयर बनी, ये न्यू पेयर बनी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? बिग बॉस में हमारी दोस्ती तो थी, हाँ, करण और अकाशा हैव ऑलवेज बीन फ्रेंड्स, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, मुझे लगता था कि भाई बहन टाइप है, बट एक्चुअली इन्होंने शादी वाली म्यूजिक वीडियो निकाली तो मैंने यार वाह यार, लेकिन मजा आया, बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी अमेजिंग एंड द सॉन्ग इज बहुत बहुत सही सॉन्ग है, मतलब कि कुछ लाइन की ऐसी हैं कि वो जुबान पे चढ़ जाती हैं एंड यू कांट हेल्प इट। कमले वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स, शादी वाला हमने गाना बट लोगों को पसंद आया, क्यूट, एक्चुअली इट्स अ बेस्ट फ्रेंड वाइब, ऐसे शादी वाली फीलिंग भी नहीं थी, इट वाज मोर लाइक टू बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत स्वीट एंड नाइस सॉन्ग। डिड तेजस्वी कॉल यू, मैसेज यू और टेल? हां हां, पूरी बकायदा बात हुई है, वो वीडियो कॉल में हमेशा हमारे साथ थी, शूट पर भी, रिहर्सल पर आई भी थी, तो शी वाज वेरी हैप्पी, उसने पूरा मतलब एक एक करके उसने वो दिया, तेरी ये लोग अच्छी लग रही थी, तेरी ये अच्छी लग रही थी, करण की ये नहीं अच्छी लग रही थी, तो उसने पूरा हमें डिटेल, वही कंटिन्यू, मुझे तो पूरा गाना अच्छा लगा ओवरऑल एंड वाज वेरी नाइस। अश्विन ऑब्वियसली, एंड अश्विन है, अश्विन सर भाई हैट्स ऑफ है, वो तो अलग ही है, वो कहां से आए हैं, ही इज अ मतलब हमारे अगले गाने के भी डायरेक्टर है जिन्होंने, जो अब आने वाला है, थैंक यू सो मच। घर जा रहा हूँ, घर जा रहे हो, ऑटो आप लोग के लिए कंटेंट शूट करना ऊपर, इसी के लिए हम आए हैं, तो जो गाना रहा पक्का आप लोग प्यार देना। वैसे मुझे जानना है आप लोगों को क्या लगता है कैसा गाना है, हम भी आ जाते हैं, हमसे एक सीन, हमसे सवाल करते हो हमेशा, आप बताओ कैसा लग रहा है कि हमारा गाना आ रहा है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को, कैसा रोमांटिक होगा? बहुत एक्साइटेड, सेट सॉन्ग रहेगा, रोमांटिक गाना, एक्साइटिंग होगा, नहीं सेट सॉन्ग रहेगा, आप भी बताओ भाई, मुंह मास्क के अंदर बहुत मजा आता है जिनका आपने कैमरा लिया, उन्होंने बोला साइड सॉन्ग, शायद वही सही हो, क्या बताओ, रोमांटिक, शायद आप ही सही हो, वापस यार थोड़ी एडिटिंग कर देना, इसकी फोटो में मेकअप ना निकल जाएगा, सोलो सोलो कर ले, पोस्टर के एक वो दे देते हैं, अरे हाँ ये थोड़ा ऐसा हमारा कवर फोटो है, पोस्टर फोटो, तो जब वो आएगा तो इसको लेफ्ट में और उसको राइट में रखना, आपको स्पेशल प्रीव्यू दे दिया हमने, बस उसमें प्रदीप थोड़ा गुस्से में है, मैं अभी भी गुस्से में हूँ यार, भाई भाई।